क्या बैंड से आप मसल बिल्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सवाल में से बहुत ज्यादा। अच्छा, धीरे धीरे जो है ना, जैसे कंसिस्टेंसी आने लगती है आपकी वीडियो अपलोड करने में, और वीडियो की थोड़ी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी हो, या फिर जो शेयर कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा हो, तो अलग ही अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अभी अभी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से तोड़ा गया है हमारी मम्मी द्वारा। मम्मी को हमने वीडियो दिखाई कि मम्मी देखो, हमने जो है ये वीडियो अपलोड करी है, अभी देखो कैसी है। मम्मी कहती हैं, देखो पहले जो है ना, जब भी वीडियो बनाया करो मुंह धुल के बनाया करो। अब मम्मी हमारे पूरा तगड़े से उस समय रोस्ट कर दी यार, बताओ। फिर हमें लगा यार, हम तो सोचते थे कि बी योर सेल्फ, बी मतलब कि हमारे दिमाग में यही ख्याल आता था कि बी योर सेल्फ इन वीडियो, जो हो वो दिखाओ, लेकिन मम्मी हमको हमारे ही रोस्ट कर दी कि मुंह धुल के वीडियो बनाया करो, तब अच्छे दिखोगे। अभी अभी वीडियो अपलोड करी थी जो कि थी इक्विपमेंट से रिलेटेड, जो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो। तो अब आते हैं मुद्दे पे, तो मुद्दा है शाम की चाय। शाम की चाय होती है हमारी एक तरीके से काढ़ा, जो कि समय गले को एकदम, जो कहते हैं ना, साफ कर दे एकदम भयंकर तरीके से। तो उसमें मम्मी हमारी एक स्पेशल चाय बनाती हैं, हालांकि गुजरात में भी हम ये चीज बनाते थे, तो वो चीज जिसमें चाय में वो पता नहीं 50 तरीके की चीज यूज करती हैं, जैसे कि लौंग, इलायची और अदरक, और पता नहीं तुलसी उलसी पत्ते, पता नहीं क्या चीज डाल देती है, उनके पूरा कूट के देन उसको पूरा एक जगह मिक्स करके उसमें डालती हूँ। वो कहते हैं ना, पियोगे एकदम गले में इसे तर होएगा, चुभेगा एकदम भयंकर तरीके से, लेकिन हेल्दी होता है वो काफी। और उसके साथ साथ हम लेंगे रहता हमारा ब्राउन ब्रेड एंड पीनट बटर, जो कि है ये। तो पूरी मील कुछ ये होने वाली है चाय, ब्राउन ब्रेड एंड पीनट बटर। तो काफी सिंपल सी मील है। मोस्टली पहले क्या करता था कि मैं एक स्कूप इसमें यूज करता था दूध में शाम के टाइम, या फिर अगर इनकेस गर्मी में जैसे चल रही है तो उसमें मैं दही लेता हूँ शाम के टाइम। लेकिन अभी क्योंकि केसेस ऐसे हैं और कांड कुछ ऐसा चल रहा है आसपास हमारे, तो उसके लिए हम जो है ना चाय ज्यादा प्रेफर करते हैं दही से, और सिंपल से रीजन तुम समझ ही रहे होगे। जो आपने देखे थे वो थे मेरे चार वर्किंग सेट, और जो कि मैंने परफॉर्म किए थे फ्लैट बेंच प्रेस पे। एंड हालांकि मैं स्पेसिफिकली कोई एक चेस्ट की जो कह सकते हैं पार्ट जो मुझे ज्यादा ट्रेंड करना पसंद है वो है अपर चेस्ट, क्योंकि यही कह सकते हैं एक तरीके से आपके जो ओवरऑल एस्थेटिक लुक को जो दिखाता है चेस्ट के, तो उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं अपर चेस्ट है आपका, तो उसे ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करना मुझे पसंद है। आपको ट्रेंड करना होगा उसे इंक्लाइंड बेंच पे, तो पहले जो है ना मैं फ्लैट बेंच पे करके निपटा देता हूँ, ताकि जितनी एक तरीके से जो आपकी इनिशियली जितनी एनर्जी हो सके उसे मैं पुश कर सकूँ फ्लैट पे। उसके बाद जितने भी मोस्टली जितने वर्किंग सेट होते हैं वो एक तो अपर चेस्ट के होते हैं, देन लोअर चेस्ट के, चाहे वो फ्लाइज हो या फिर डिप्स वगैरह हो।
अच्छा, जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट जो है घर पे ट्रेन करने का, स्पेशली जब आप एडजस्टेबल डंबल से कर रहे हो, वो होता है उनको बार बार एडजस्ट करना। मतलब कहते हैं ना कि पहले 10 लगाओ, फिर 10 प्लेट निकालो, उसके पेज खोलो, फिर उसमें 10 की प्लेट और लगाओ, या फिर 5 की प्लेट लगाओ, तो वो कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट हो जाता है, स्पेशली जब घर पे ट्रेन कर रहा हो। इसलिए मैं जनरली करता क्या हूँ कि एक ऐसा वेट लगाता हूँ जो बहुत ज्यादा लाइट भी ना हो और बहुत ज्यादा हैवी ना हो, तो जिससे मैं कम से कम 2 सेट लगा सकूँ। स्टार्टिंग कम से कम इससे मैं करता हूँ ताकि 2 सेट इससे लगा सकूँ, देन उसके बाद मैं 2.5-2.5 की प्लेटें और यूज करूंगा। तो अभी ये अराउंड क्या, ये है आपका 22.5 kg का, यानी 22.5 kg का एक डंबल है ये, और मैक्स टू मैक्स ये जाएगा आपका 27.5 kg तक का। ठीक है अभी के लिए एटलीस्ट, कि कुछ ना होने से कुछ होना काफी ज्यादा अच्छा है, तो उसके लिए ये 27.5 kg मैक्सिमम वेट मेरे लिए काफी सही है। और इसके बाद मैं जो थर्ड एक्सरसाइज करूंगा वो होगा बैंड से फ्लाइज, लेकिन उससे पहले 4 सेट इसके करने हैं। मुझे लगता है कि मैंने इस सवाल का जवाब काफी बार दिया है, और आज फिर से मैं उसका सवाल का जवाब देता हूँ, क्योंकि ये सवाल में से बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है। तो सवाल ये था कि ये होता है मोस्टली कि क्या बैंड से आप मसल बिल्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है कि ऑलमोस्ट मैंने सेप्टेम्बर में स्टार्ट करना शुरू किया था बैंड्स वगैरह यूज करना, एंड क्योंकि मेरे पास कुछ इक्विपमेंट वगैरह भी रहे हैं शुरू से, जैसे स्टार्टिंग में सिर्फ डंबल्स थे, एडजस्टेबल डंबल्स, देन उसके बाद मैंने बैंड्स लिए थे सेकंड चीज जो ली थी। अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो आपको अपने आप को पुश करना होता है एक तरीके से, जब आप वेट भी लिफ्ट कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी एक तरीके से इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं वेट ट्रेनिंग के टाइम भी, तो आप मसल टियर करते हैं, देन आप दिन भर डाइट लेते हैं, देन वो मसल रिकवरी में काम में आती है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, सेम चीज आपकी आती है बैंड्स के साथ या बॉडी वेट के साथ भी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं लेकिन फिर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मसल होती है या फिर काफ़ी अच्छी होती है कई लोगों की, तो और सिंपल से रीज़न ये होता है क्योंकि वो बॉडी वेट से भी उतनी इंटेंसिटी क्रिएट कर पाते हैं या फिर इतना खुद को पुश कर पाते हैं। एंड बैंड्स की बात करें तो इसमें तो कह सकते हैं बहुत ही अमेजिंग वेरिएशंस होते हैं, देन आपके पास ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जैसे कि 1 बैंड से लेके 5 बैंड तक के, तो डेफिनेटली ये काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट भी हैं। मैं अपने आप के लिए भी ये काफ़ी कह सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज में मुझे 5 बैंड यूज़ नहीं कर पाता हूँ काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज में बल्कि, तो उसके लिए मुझे लगता है कि बैंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड जैसे कि अभी मैं फ्लाइज करता हूँ तो उसमें भी 5 बैंड यूज़ करना तो थोड़ा सा दिक्कत देता है, इतना आसान बिल्कुल नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन में उसमें खींच पाऊँ, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप बैंड से अगर इतना पुश कर पाते हैं खुद को, तो वो इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा मसल बिल्ड करने में ही।
तो ये था पूरा चेस्ट वर्कआउट जो कि मैं परफॉर्म करता हूँ कुछ बेसिक इक्विपमेंट एंड बैंड्स वगैरह या बॉडी वेट से। एंड आगे मैं शेयर करूंगा कुछ सिर्फ स्पेसिफिकली डंबल से या फिर बैंड से, तो मैं ट्राई करूंगा वो जल्द से जल्द मैं रिकॉर्ड करूँ आगे कुछ दिनों में। और घर वालों को ख्याल रखना, घर पे रहना, ज्यादा बाहर नहीं निकलना, निकलो तो मास्क लगा के निकलना, बस इतना ही था। सो